हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? शुरू में आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक ठाक। हसन को ऐड कर लें क्या? हसन को मैंने बोला है कि ऑनलाइन आ जाए। मैं सर्च कर भाई, सबसे पहले तो मैं हसन से भी और आपसे भी माजरत करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी हुआ वो लाइक ऐसे नहीं था कि मैं कोई लाइक सोच सोच समझ के किया हो। नहीं, आपको मैंने सारी बात बताई कि भाई क्या सीन थे, कैसे एकदम से टीम में इतनी गड़बड़ी हुई ना। आपको पता है मैं खेलता हूँ ना कॉम्पेटिटिव मोबाइल पे, तो मतलब मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि कॉम्पेटिटिव में मेरा इतना लाइक अच्छा नहीं है, गेम भी नहीं है इतनी अच्छी। तो इस वजह से भी फिर मैं जब आपके सामने खेला मैचेस तो भी इतना अच्छा नहीं खेल पाया, उसका भी इतना हेट मिल रहा था। तो शायद जो मैंने स्टोरी लगाई वो मुझे नहीं लगानी चाहिए थी। नहीं, मेरी जी, सॉरी आपको काट रहा हूँ। मेरी आपसे जब भी बात हुई है, मैंने भी अभी जाके शायद ये रियलाइज़ किया है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी वो, पर जाने अनजाने में हुआ। जो भी हुआ उसका कॉन्सिक्वेंस शायद हम आपने नहीं एक्सपेक्ट किया था, पर हो गया वो। तो मैं सबसे ये बात करूँगा कि इंसान से गलती होती है। जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलतियाँ की होंगी। मैंने खुद, जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं गलती का बतला हूँ, मैंने बहुत गलती की अपनी ज़िंदगी में। बस ये कि मैं एक पब्लिक फिगर नहीं है तो वो गलती हाईलाइट नहीं होती। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं बड़ी गलती भी कर जाऊँ, मेरे और मेला के बीच में। पर ये जो छोटी सी भी गलती हो जाए, ये क्योंकि एक मुबीन एक पब्लिक फिगर हैं, तो ये लोगों के सामने हाईलाइट हो जाती हैं। तो उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं बहुत नेक इंसान हूँ। खुद भी बोलते हैं अपनी वीडियोज़ में कि मैं गलतियाँ करता हूँ, तो उन्होंने आज तक नहीं कहा कि मैं नेक इंसान में कभी गलती नहीं करता। तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो गलती को एक्सेप्ट कर लेना, गलती को मान लेना, वो उससे बड़ा इंसान, वो उससे इंसान बड़ा बनता है उस चीज़ से। तो मैं भाई लाइक भी मैं सॉरी अभी, आपकी बात, आपने आपने अपनी गलती रियलाइज की, मैं अपनी गलती भी रियलाइज करता हूँ कि शायद जो मैंने वो इतना टाइम इन्वेस्ट करके जो वीडियो में लगाया, अगर मैं वही टाइम इन्वेस्ट करके शायद आपसे बात करता, पहले आपसे क्लियर करता, तो शायद हमें इस स्टेज पे नहीं पहुंचना चाहिए था। पर जो भी हुआ, ये सब कुछ ही होना चाहिए था। जो भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था। एक छोटी सी बात करते 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 कहाँ पे आ पहुंची, जो कि मैंने कभी हरगिज मेरा मकसद नहीं था। और ऑब्वियसली जो आपकी बात कर रहे हैं कि मैंने जैसे वो अपनी हमारी जो हमारी मैंने पूरी चैट भी अपलोड की है, तो वहाँ पे क्लियर है कि जब आपसे मैंने पूछा तो आपने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम ऐसी समझदारी के साथ ना। हालांकि मैंने आपसे डिसीजन लिया, पर आपने कहा कि हसन, आपने वहाँ पे बड़ापन दिखाया कि हसन का तो ख्वाब है कि उसने जाके रिप्रेजेंट करना है, तो आपने ये बात भी मैंशन की। तो उस टाइम के बाद जाके जब टीम को क्रिटिसिज्म मिला, ऑब्वियसली जब बंदे को क्रिटिसिज्म मिल रहा होता है, बंदा शायद उस टाइम अपने वो चीज़ कर बेसिक वहाँ पे जाके मिस्टेक हो जाती हो सकती है बंदे से। बंदा वहाँ पे अगर क्रिटिसिज्म, क्योंकि वहाँ पे मैं लोगों को भी कहूँगा कि आप हर चीज़ को क्रिटिसाइज मत किया करें। अभी वो अगर इंसान अपना यूट्यूब पे छोड़ के आईपैड से शिफ्ट करके मोबाइल पे खेल रहा है, कम्पीट कर रहा है, तो आप उसको बजाय ये कि सपोर्ट करें, आप उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो भी अपने राइट माइंड से नहीं सोच सकता बंदा उस टाइम पे। उन्होंने वो शायद क्रिटिसिज्म को डाइवर्ट करने के लिए जैसे भी, तो वो गलती की, और उसके बाद उस गलती से अभी बात यहाँ तक आ पहुँची। पर ये जो भी बहुत अनफॉर्चुनेट था, मैं अपनी तरफ से माजरत करता हूँ कि शायद मुझे भी इस तरह से प्रॉपर, पहले शायद आपसे ये सारी बातें मैं अगर क्लियर करता बैठ के, तो अभी आज यहाँ पे ना पहुँचती। पर मैं माजरत करता हूँ, और मैं सबको ये बोलूँगा कि गलती हर इंसान से होती है, और माफ़ी मांगने वाले से बड़ा इंसान कोई नहीं होता। बिल्कुल भाई, मैं वो कोई इंटेंशन नहीं थी, बस डिसाइड होके मैं स्टोरी लगाई थी। मैंने आपको पर्सनली भी सारी बात बोला। मैं फिर भी अगेन आप दोनों से इस बात की माजत करता हूँ कि शायद मुझे मतलब इंसान से अगर गलती होती है तो वो होश हवास में नहीं होती है। लाइक अगर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है या जज्बात में आ गया, गुस्से में आ गया, तभी कोई ऐसा स्टेप होता है। शायद मैं वहाँ पर थोड़ा सब्र कर जाता तो इतना कुछ सीन नहीं होता, क्योंकि आप भी जानते हैं जब हसन गया तो हम सब ने विश भी किया और उस टाइम तो कोई सीन नहीं एग्जैक्टली, था। बिल्कुल देन जिन जब जिन गया ना, उसके भाई नेक्स्ट डे हम लोग के मैचेस थे और वो एकदम से मतलब दिमाग काम करना बंद कर गया यार। कल एक दिन में मैं कैसे मोबाइल पे आ जाऊँ और कैसे टीम के साथ खेलूँ, 3 मैन खेलेंगे, वो सब दिमाग ने काम करना छोड़ दिया बस। और तब वो वहाँ मिस्टेक हुई मुझसे, जिसमें मैं शर्मिंदा हूँ भाई। मुझे ऐसा शायद नहीं करना चाहिए था, शायद नहीं, यकीन नहीं करना चाहिए था। मैं आप दोनों से उसके लिए माजरत करता हूँ।
नहीं, हम अपनी तरफ से भी क्लियर करते हैं, और अभी मैंने वही बात की कि माफ़ी मांगने वाले से बड़ा कोई इंसान नहीं होता। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्चुअली गलती पता क्या बनती है कि आपने भी लोगों को वही बात होगी ना कि हमारी आवाम थोड़ी इमोशनल होती है इन चीज़ों में। आप सपोर्ट करें, आप फैंस बने, पर आप बेसिकली किसी और की जाके दिल जाहिर मत करें। आप, मैं जैसे अपनी वीडियो में बात की थी, आप हर बात करने से पहले सोचें। अभी मुबीन भाई को भी मुझे बता रहे कि उनको भी गंदी से गंदी गाली पड़ रही है, तो वो मैंने, मेरा मकसद नहीं था कि उनको जो जैसे हमने सफ़र किया वो भी सफ़र करें। मेरा मकसद था कि हम अपनी साइड क्लियर करें, बस खुद को डिफेंड कर लें। मेरा ये हरगिज़ मकसद नहीं था कि उनको आप भी जाके बुरा भला कहें। और जैसे मैंने कहा कि इंसान गलती करता है, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन इंशाल्लाह फ्रॉम दिस। और मैं उम्मीद करूंगा कि फर्दर हम इस बात के बारे में कभी डिस्कस ना करें। हसन अपनी गेम खेलेगा, मुबीन भाई अपनी गेम खेलेंगे, हम सब एक एक प्रॉपर फैमिली की तरह आगे बढ़ें और इस बारे में कभी दोबारा डिस्कस ना करें। चलो भाई ऐसे ही होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपनी वीडियो जो भी हमने पोस्ट की यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मैं डिलीट कर दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो और चैनल्स ने भी पोस्ट की और पेजेस ने भी पोस्ट की वो भी डिलीट कर दें। और बेसिकली मेरी विनती है आपसे ये, और इंशाल्लाह वी जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस। इंशाल्लाह भाई मैं भी हम लोग की साइड से कोई ऐसा नेक्स्ट टाइम भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। और हम भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव वीडियो इंशाल्लाह बना के पोस्ट कर देंगे। बाकी मैं अगेन आप दोनों से माजत करना चाहता हूँ, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ और वो नहीं होना चाहिए था भाई। नहीं, कोई इशू नहीं है ब्रो, मैं भी माजरत करता हूँ कि शायद मैं इसको और बेटर तरीके से हैंडल कर सकता था आपसे पहले बात करके, आपसे पहले प्रॉपर हर डिटेल में बात करके। पर मैंने समझा कि शायद पब्लिक जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर खैर वो मेरी थिंकिंग थी उस टाइम, वो भी शायद हर्ट में थी, गुस्से में थी, जो भी थी। पर हम यहाँ पे चैप्टर क्लोज करते हैं और हम ये लाइव लंबी नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह बेसिकली इस बारे में अभी इसके बाद बात नहीं करेंगे। हमारा मैटर सोल्व है, हम अभी भाइयों की तरह इंशाल्लाह हैं, भाइयों की तरह थे पहले, भी भाइयों की तरह रहेंगे, और इंशाल्लाह इस बारे में कभी जिक्र नहीं करेंगे दोबारा। ठीक है बराबर। और चलिए, ओके मुबीन भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़।